अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लेकिन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज जो हम फिगमा का प्लगइन गो थ्रो कर रहे हैं, जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, इसका एचटी बेनिफिट है वो ये है कि आप किसी भी वेबसाइट के डिज़ाइन को यूजिंग दिस एचटीएमएल टू डिज़ाइन प्लगइन के ज़रिए उस पूरी वेबसाइट के डिज़ाइन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का URL कॉपी करूँगी, लाइक मैंने एक वेबसाइट ओपन, उसका URL मैंने यहाँ से कॉपी किया, जस्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मैं जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करूँगी उस वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन आपके पास फिगमा के अंदर आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी नाइस प्लगइन। इससे पहले मैंने इतना इंटरेस्टिंग प्लगइन गो थ्रू नहीं कराया और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लगइन है कि बहुत ही आसानी से आप अपनी इस प्लगइन को यूज़ करते हुए अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं इन फिगमा के अंदर। सो अब आप चेक कीजिएगा, जैसे ही ये प्रोसेस टाइम फुलफिल होगा और वो वेबसाइट कम्प्लीटली आपके फिगमा के डिज़ाइन के अंदर आ जाएगी, कम्प्लीटली वेबसाइट। फिर आप उस वेबसाइट को, अच्छा जिस पेज का URL किया है आपने कॉपी, उसी पेज का URL आपके सामने आएगा। नाउ यू कैन सी ईजीली, मैंने ओके किया और मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देती हूँ और देखिए मेरे पास व्हाट अ रिज़ल्ट इज इट। मेरे पास ये वेबसाइट, वेबसाइट को अगर देखें हम तो ये वेबसाइट है और ये वेबसाइट कम्प्लीटली फिगमा के अंदर इन अ डिज़ाइन वे के अंदर मेरे पास आ चुकी है। देखें और मज़ेदार बात, इफ़ आई वॉन्ट टू एड इट तो मैं किसी पर भी क्लिक कर सकती हूँ, मैं उस चीज़ को यहाँ से एडिट कर सकती हूँ। मुझे कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने में कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का प्लगइन है ये, और इस प्लगइन को गो थ्रू कीजिए और जो भी एडिशन करनी है सिंपल यू कैन राइट इट और ऑटोमेटिकली आप इस डिज़ाइन को चेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरीके से कलर चेंज करना है, फिल कंट्रास्ट चेंज करने, फिगमा के डिज़ाइन के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो 20,000 लाइक्स इस वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।